हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आए हैं खाटू श्याम, ये रहे सारे सब लोग, और हमने एक ही कमरा ले लिया था रेस्ट करने के लिए। हम सुबह कितने बजे पहुँचे थे आंटी? 8 बजे ना? हम सुबह 8 बजे के करीब पहुँचे थे। अब टाइम हो रहा है, हाँ नोना के लिए जैसे हमें कई कई जगह जगह बार बार रुकना पड़ा क्योंकि वो गाड़ी में तंग हो रही थी, क्योंकि इतनी लंबी दूर मतलब लंबा सफ़र ट्रैवल करने की अभी आदत नहीं है ना नोना को इस वजह से। और हमने एक ही कमरा रूम लिया था बड़ा रेस्ट करने के लिए। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का है ना शायद आंटी? 8 बजे से 12 बजे तक का 4 घंटे का दिया था उन्होंने। तो हमने एक ही रूम ले लिया था जिसमें इतने 3 बेड लगे हुए हैं, आराम से हमने सबने रेस्ट कर लिया। और अभी लोग तो आधे सो ही रहे हैं, ये देखो आप नितेश सो रहे हैं, गुन्नू सो रही है, वहाँ पर जीजू सो रहे हैं, प्रेरणा नहा रही है, कोमल नहा चुकी, अंकल नहा चुके हैं, आंटी आंटी मेरी हाँ पहले सब एक एक करके वॉशरूम गए। वॉशरूम तो एक लिए भयंजू भी नहा के आ चुका है, ये देख सकते हो आप। और मैं बस नहाने जा रही हूँ, प्रेरणा आके बता दे पानी कैसा है, ठंडा है अगर फिर मैं भी नहाऊँ जाके। और आंटी ने मेरी सलवार में नाड़ा डाल दिया है मुझे, हाँ पता नहीं क्यों यहाँ पे ठंड लग रही है आंटी, बल्कि राजस्थान है तो गर्मी होनी चाहिए भाई। यहाँ पे सच्ची में ठंड लग रही है, हमें अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है। हाँ भाई, रिंगस से आपको लोग, आप लोगों को तो पता होगा रिंगस से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, फिर मंदिर तक पैदल यात्रा ही है, 20 किलोमीटर है पूरा। तो गाइस अभी हम नहा धो लेते हैं, प्रेरणा नहाने गई है, बस वो आने वाली है, फटाफट से मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नहा धो ली हूँ, मैंने अपना सूट भी पहन लिया जो पहनना था, बट मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको अपनी फुल लुक दिखाऊंगा। गाड़ी में मेकअप करने आई हूँ क्योंकि वहाँ पे एक ही मिरर है, वो भी वॉशरूम में, और वॉशरूम में मम्मी जीजू नहा रहे हैं उठ के फटाफट। और मैंने हनी से AC चलवा दिया गाड़ी में, तो मुझे गर्मी भी नहीं लगी और मेरा मेकअप भी हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मेकअप करूँ। प्रोडक्ट्स है, मैं बीबी क्रीम यूज करूंगी, फाउंडेशन वगैरह मैं यूज नहीं करती। मैंने हनी को बोला भाई मेरा ये जो भी बोलते हैं इसको पफ को थोड़ा धोकर लिया भिगोकर। तो गाइस मुझे ऐसे अपना मेकअप करना पड़ रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मिरर नहीं है। और मैं सिर्फ बीबी क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी एक मेकअप वो बनाई थी कि डेली रूटीन में हम मेकअप फाउंडेशन नहीं लगाती, अब मैंने लगाना छोड़ दिया है। पहले कभी कभी लगा लेती थी, फिर तब से मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब होने लग गई, मुझे फील होने लग गया कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है डेली डेली फाउंडेशन लगा के। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मुझे बहुत जल्दी दाने हो जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं अब ये अपना लाइट मेकअप यूज़ करती हूँ बीबी क्रीम। अभी मैं अपना मेकअप करूँ, आप देख सकते हो मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ, बहुत मुश्किल है मेकअप काम करना भी, आप लोग ईजी समझते हो, ऐसे मेकअप करना पड़ता है हमें। आप देख सकते हो जैसे कि मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ है। मैं भी हो गई। अच्छा प्रेरणा भी रेडी हो गई है, ये देखो गाइस, बस बाल धोने, वो भी डायरेक्ट ब्लश कम लगा दीजिए, मैंने ज्यादा पोते हैं। नहीं मैंने तो ठीक लगाई है। और आप आंटी को देख सकते हो, आंटी सुबह से अभी तक ऐसे ही बैठी है, इसी बेड पे बैठी है और इसी पोजीशन में बैठी है। देखो नितेश भी नहाकर आ चुके हैं। अरे छोटा सा काम हो रहा है, ब्लू करने का वो करके बोलने। तो गाइस ये रहा मेरा सूट, मैं भी आपको दिखाती हूँ पैक है। मेरा सूट ये मेरी कलेक्शन से था, इसके बहुत सारे कलर थे जो सारे दिख गए थे, ये वाला मैंने अपने लिए पहले निकाल लिया था क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ, आप लोगों को पता है, मुझे कलर अच्छा लगा। पीछे से दिखा, पीछे से दिखा, गले ही बनवाते आंटी को क्या पता फैशन। गाइस मैंने ऐसे कुछ बनवाया, आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। ये वाला सूट है, आप देख सकते हो प्यूरा अच्छा लग रहा है, पर इसने ये खस्मा बनवाया है ना, तूने कस्मा बनवाया था ना क्या? कस्मा नहीं, मैंने खोल दिया। अच्छा तूने क्यों खोला पर? अच्छा गाइस ये लूज बाहर पहनने के लिए और खस्मा घर में पहनने के लिए। मैंने कम बैठा है इसके, हाँ इसने ऐसा कहा है उस मिशन कहा है गाइस, जाना पीछे देख 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 कैमरे में आड़ को, तो इतनी जल्दी आ जाऊंगे, बहुत सुंदर लग रही है। हम नहा धो के निकल चुके हैं दर्शन के लिए, और इतना ज़्यादा जाम हो रहा ना, जो सोचा भी नहीं था कि इतना ट्रैफिक होगा इस बार मिलेगा, और इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये रहे नितेश, ये इनकी नई टी शर्ट है, नए कपड़े हैं, नीचे सबने ही नए कपड़े पहने हैं, सबने ही नए कपड़े पहने हैं।
अंशु तूने भी नए कपड़े पहने सबने नए कपड़े पहने और मैंने भी और प्रेरणा चीजों हम सबने ही नए कपड़े पहने मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रैफिक कितना ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है खान के पास से कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है गाड़ी यहाँ से जाती है लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से ली थी ये पैदल का रास्ता है और इतना ज्यादा जाम है ना पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है बहुत ज्यादा अरे भैया निकल जा कहाँ ले अपनी गाड़ी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी उसके बाद हमने रिक्शा लिया रिक्शा लेकर हम यहाँ तक आए और रिक्शे के 100-100 रुपए ही लगते हैं हर बार ये कोई कम नहीं करते हाय और गाइस हम पहुँच गए हैं फाइनली मंदिर में यार हमारे साथी कहाँ रह गए अरे हमारे साथियों का रिक्शा वाला इतना वो था लल्लड़ हमारे रिक्शे वाला गाइस इतना तेज भैया भगा के लाए पूरी फुल स्पीड में और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने हमारे साथियों के साथी भी आ गए हाय हेलो कल चली सुनाई वेरी नाइस थैंक यू सो मच चश्मा तो लगा है मेरे फेस पे थोड़ा सा बड़ा है पर वो इग्नोर कर देना बड़ा वाला गेट की तरह है वो भाई दिखाया था पार्किंग के वहीं पे हां जाते गाइस जाएंगे हैं बहन मेरे फेस पे थोड़ा बड़ा है पर इग्नोर कर देना रास्ते में कह रहे थे जीजू कह रहे मैंने चश्मा लगा दिया अब मेरी बहू से भी लेनी पड़ेगी यार मन्ने फिर गुस्सा हो जाएगी फिर कह रहे अपना उतार के दे मेरे पास नहीं है ना गाइस मेरे पास ना मेरा नहीं चश्मा था पर वो ना टूट गया है तो अभी नितेश ने मुझे अपना दे दिया है कोई नहीं मैं नया ले लूंगी अभी आप ऐसे ही काम चला लो मुझे ऐसे ही देख लो ठीक है कितनी ऊपर आवाज आई है देख लो आज कितने भीड़ हो रही है तो चल रहे हैं हम भीड़ भीड़ में कैसा लग रहा है हाँ चलो जी देख लो आज कितनी भीड़ हो रही है यहाँ से एंट्री करेंगे हम बहुत भीड़ है अंदर 2 घंटे तो लग जाएंगे यार चलो भाई लगो लाइन में हेलो हेलो प्रसाद प्रसाद भी ले लिया क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तब गुलाब का फूल भी नहीं चढ़ाने दिया था तो इस बार हमने प्रसाद लिया प्रसाद वगैरह सब चढ़ाने दे रहे हैं और हमने अपनी चप्पल वेप्पल उतार दी अब सब चल रहे हैं और एक ही लाइन में रहना आगे पीछे आ जाओ क्योंकि हम बहुत सारे अगर खो गए और आंटी के पास तो फोन भी नहीं है गाइस तो एक ही लाइन में रहेंगे सब आगे पीछे क्योंकि सर बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत ज्यादा गाइस बहुत ज्यादा रश है इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत पब्लिक आई मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि जिस टाइम लास्ट टाइम मैं आई थी लास्ट मंथ ही उस टाइम कुछ भी रश नहीं था पार्किंग भी खाली है तो पार्किंग भी ऐसी भरी पड़ी है गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है देखो कितना बड़ा पंखा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है जय जय
दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी चप्पल लेने के लिए। हमने अपनी चप्पलें वहीं उतार दी थी बाहर, और वो भी जाएंगे मेन गेट पे अभी। हाँ वहाँ तो जाएंगे ही, मेन गेट नहीं बोलते, सब वो बोलते हैं क्या, मैं फिर भूल गई, मेन द्वार नहीं 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 कुछ बोलते हैं उसे, कैसे बना हुआ है गाइस। हाँ हाँ उसे बोलते तो है, क्या बोलते हैं मैं भूल गई गाइस, फिर से कमेंट करके याद दिला दो एक बार। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए इस बार भी हमारे, रश थोड़ा ज़्यादा था लेकिन अच्छे हुए हैं काफ़ी। और अभी हम प्रसाद लेंगे जो यहाँ का पेड़े का फेमस प्रसाद है, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो बस वही। आंटी के भी सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, ये आंटी के सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे मिले हैं। हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं। लोगों ने बोला कि दीदी इस बार श्यामकुंड जरूर जाना, तो मैं इस बार श्यामकुंड आई हूँ और अभी हम अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप श्यामकुंड नहीं गए, आपके पीछे ही था पीछे ही था। तो इस बार मैंने पूछा और मैं स्पेशली आई हूँ। पिछली बार आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, तो गाइस ये रहा वो श्यामकुंड, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के कहने पर यहाँ पे, और यहाँ पे तो मैं पहली बार ही आई हूँ। ये देखो गाइस, अच्छा तो ये है श्यामकुंड, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं गाइस, पर हम तो नहा के आए हैं। और ऐसे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं गाइस, आज तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले जा रहे हैं, बहुत सारे। जब हम सब खा रहे हैं गोलगप्पे जो कि बहुत टेस्टी है, मैं पम्मी जीजू प्रेरणा नितेश, पम्मी जीजू ने तो खाया ना पर टेस्टी है। बच्ची खो गई है छोटी सी, तो क्या पता बोलती है या नहीं। मम्मी आ रही है, मम्मा आ रही है, रो रही है, इधर को गाइस किसी का बेबी खो गया है, किसी का बच्चा है कि किसी का बच्चा खो गया क्या, नहीं वाद में मार लो वाद में आ जाएंगे। अरे वाद में तो बाद में, इतने वाद में नहीं, चलो चलो भक्के कोई ढूंढ रहा होगा, कोई ढूंढ रहा होगा, जाओ ऋषि के पापा जी आ जाओ, ये ना अभी अभी खोई है क्योंकि देखो इसने कुल्फी कुल्फी खा रही है ना, हाथ सन रहे हैं। कैसे कैसे पेरेंट्स हो जाते हैं, उनको अपने बच्चे का ध्यान नहीं है कि मेरे साथ कितने बच्चे आए हैं कौन बच्चा है, अपने बच्चे का तो ध्यान रखो यार एटलीस्ट, कम से कम छोटी सी बच्ची खो गई है बताओ। रो रही थी और उसके पेरेंट्स नहीं मिले, पम्मी जी जो नितेश यहाँ वो बोल रहे दुकान वाले यहाँ पे 200 माइक लग रहे हैं मिल जाएगी। अच्छा नितेश और पम्मी जीजू देख कर भी आया काफी दूर तक पर वो नहीं मिले, पुलिस वाले अंकल कुछ आई नहीं, वो दुकान वो कह रहे कि हमें नाम नहीं पता तो हम कैसे अनाउंस करें, इतना तो बोल सकते हैं कि 2-3 साल की बच्ची है छोटी है भाई, ये कपड़े पहन रखे हाँ गाइस, हम भी कब तक क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं है, मतलब इररिस्पॉन्सिबल है ना, उनको अपने बच्चे को ध्यान नहीं रखना चाहिए, इतने मगन हो जाते हैं। देखो मैंने कैसे अपनी बच्ची का हाथ पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं, देखो मैंने अपनी बच्ची के हाथ में चुन्नी बांध रखी है। जब हम खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे और बाहर प्रेरणा को देखो क्या कर रही है, सीरियल बना रही है अपनी, और हम यहाँ खाना खाने को रुके हैं क्योंकि कुछ अच्छा खाना था, सुबह से कुछ नहीं खाए, ऐसे ही दर्शन के लिए चले गए थे बिना कुछ खाए पिए, और गुन्नू यहाँ अपने वाईफाई को लेकर दुखी है, गुन्नू का ब्लॉग नहीं डला है अभी तक, और नितेश नोना को लेके आ रहे हैं इन वादियों में राजस्थान, ये हमारी टीम खड़ी है जो डरी हुई है, इधर लेके आओ जल्दी, बहुत मुबारक हो निकिति का, इधर गाइस मेरी सिल्वर खाने की प्लेट आई है क्या, गाइस प्रेरणा का सिल्वर बटन आ चुका है,
वीडियो कॉल पे देख लिया हमने। क्या कह रहे हैं गाना खाने के लिए आइए। मैंने बोला मेरी सिल्वर प्लेट आई है संभाल के रखना। तो मतलब ये कह रहे हैं किसमें किसकी फोटो आई है फोटो। तो गाइस देखो ये रोड गाइस आप व्यू देखो कितना प्यारा है। बताओ ना राजस्थान रेगिस्तान रेगिस्तान कितना प्यारा व्यू है ना। ऐसा लग रहा है तो लेह लद्दाख वाले रोड आ गए हो जैसे है ना। यहाँ शिवा ढाबे पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और हम मैं गुन्नू जा रहे हैं यहाँ पे बर्फ का गोला खाने। आ जाओ गुन्नू सकते हो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं लास्ट टाइम भी रुकी थी यहाँ पे। नहीं नहीं मैं ओम उसमें रुकी थी राव होटल में। हाँ हाँ बट वो भी अच्छा था ऐसा ही था। और उसके तो यहाँ पे भी कॉर्नर में आइसक्रीम्स वगैरह थी। मैं राव होटल में रुकी थी याद आ गया अब मुझे। ये भी अच्छा है अच्छू ने क्या किया है अच्छू वो नीचे गिरा दिया देकर वही खा लिया। जब मैंने इसका फोन मांगा था ना मम्मी तब इसने ना उसमें डाल ही नहीं रखा था लिंक। ऐसे हमारा धीरे धीरे खाना आ रहा है जोड़ और कुछ नोना को जाए नोना को नीचे से उठा खा लिया। आंटी क्या हो गया डोसा आया है चौमिन आ गया आधी चौमिन खत्म हो गया ये डोसा आया है। वाओ गाइस वाओ अरे क्यों लड़ रहे हो क्या हो गया। कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम मेरी थैंक यू विदाउट आइसक्रीम मेरी गाइस। आंटी ने ये देखो ये क्या मंगा लिया है आंटी क्या अरे भैया ये तो अधिक कर दिया आंटी जी जी क्या कह रहे थे आप। हमने खाने के लिए ऐसी उधेड़ मचाई है पता नहीं क्या क्या खा लिया पीछे से ही धोखी भैया ने ही बोला कि पीछे पीछे देंगे गाइस बात ये हुई थी हमारी थाली में गुलाब जामुन नहीं आया तो मम्मी ने बोला कि गुलाब जामुन भैया आपने दिया नहीं तो कह रहे पीछे से देंगे पीछे से देंगे हाँ पीछे देंगे तो भाई सब शॉक्ड हो गए पीछे का देंगे। गाइस उनका मतलब ये था कि थाली के बाद देंगे अरे मम्मी ऐसी हरकत मत कर यार अपने टेबल पे हमने इतना मंगाया तब तू ये हरकत कर रही है सब बाबू तू ऐसे कर रही है। हम देखने लग गए हैं कुछ शॉपिंग के लिए और यहाँ मैं कुछ ऐसे ट्राई कर रही हूँ अपने पैरों में क्योंकि मैं ऐसी ज्यादा पहनती नहीं हूँ कैरी नहीं करती बट अभी पहन रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। नितेश देखना एक बार मतलब दिलाने के नाम पे भाग रहे हो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप मुझे ये अच्छी लग रही है आप बताओ कैसी लग रही है। मैंने आज तक पहनी नहीं चप्पलें ऐसी जूती नहीं कैरी करती मेरा जूतियों में पैर नेल्स नहीं होते तो ये बताओ कैसी लग रही है। भैया क्या प्राइस है इसका। नितेश ने शादी से पहले बस 70,000 का फोन दिलाया था आज शादी के बाद मुझे पहली बार कुछ दिलाया नितेश ने सच्ची में बहन क्या तो 70,000 का फोन दिलाया था शादी से पहले ये अब जितनी दिलाई है थैंक यू नितेश। अब करती जा हाँ करती जा पास में कर पास में अब इनके पास में कर मुझे घेर ले वो खुद ही हिल रही है ऊपर ही मत कूद जाओ ऋषिकेश अमृतसर जुलाई पहाड़ के नीचे
चलो आंटी की बारी आ गई। ऐसे में जाल फंस जाएगा, आराम से उतर जाओ, आराम से। भैया मैं पूछ रही हूँ, जैसे वो ये कह रहे हैं दो दो जा सकते हो, कोई नहीं कर लो अपने हिसाब से। भैया इसमें तो सबसे कम है ये, तो ये आंटी भी नहीं जा सकता। लड़कों का शरीर। हमने खाना वाना भी खा लिया, 9 बज रहे हैं, और शॉपिंग भी कर लिया थोड़ी बहुत, तो बहुत मज़ा आया बाकी। और हमने खाना भी खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाया है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा अच्छा, पेट भर गया पूरा। और अब हम निकलेंगे, 9 बज रहे हैं, और नितेश तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी हम निकल रहे हैं बस यहाँ से। अब घर जाके आप लोगों से बात करेंगे, तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है। और लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।